अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ पे गाइस आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, ये गाइस एक 14 अगस्त का नेमार वीडियो स्टेटस है। तो इसको गाइस आप किस तरीके से अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट करेंगे वो गाइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो इस वीडियो को गाइस जो हम क्रिएट करेंगे वो गाइस हम क्रिएट करेंगे कैपकट ऐप के ऊपर। सो वीडियो गाइस आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देख लेना है। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है 14 अगस्त नेम डीपी मेकर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको जो सी एक डीपी सिलेक्ट करके वहाँ पे गाइस आपको जो सा अपना नेम है वो गाइस आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि इसमें यहाँ पे ये वाला ऐड कर लेता हूँ एक, और यहाँ पे गाइस आपको एंटर नेम करना है अपना। जैसे कि इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ उसामा, ठीक है। उसामा लिखने के बाद डन के ऊपर इसमें क्लिक करूँगा। अब गाइस आपने यहाँ पे अपने फॉन्ट यूज़ कर लेना जो से गाइस आपको पसंद आता है फॉन्ट, ठीक है। ये गाइस मैंने यहाँ पे रख लिया है फॉन्ट। और उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे नीचे सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, और ये जो सा गाइस आपकी इमेज होगी ये गाइस आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस आपको करना क्या होगा, सिंपली गाइस आपको अपना कैपकट ऐप है वो गाइस आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस जो सी भी आपने इमेज वगैरह सेव की होगी वो गाइस आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक इमेज, तो यहाँ पे गाइस ऑलरेडी मैंने ये नेम वाली काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हुई है। इनमें से गाइस आप वैसे जो सी चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे ये वाली जो सी गाइस आप यूज़ करना चाहे वो इसमें एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे रेशो के ऊपर जाना है, और यहाँ पे गाइस 9.16 गाइस आपको रेशो चूज़ करके ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपको आगे कन्वेंस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको ब्लर का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से गाइस आपने तीसरे नंबर वाला ब्लर है वो गाइस आपको चूज़ कर लेना है, ठीक हो गया कुछ इस तरीके से। देन गाइस आपने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे इसका साइज जो है गाइस आपको इंक्रीज़ कर लेना है, जितने स्किन की गाइस आप जो है स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं। तो 10 स्किन के करीब इसमें इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब गाइस आपको वापस बैक के ऊपर जाना, और यहाँ पे गाइस आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट वाले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ पे एक इफेक्ट जो है गाइस आपको देख लेना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पार्क वाले गाइस आपको सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइस आपको दो फ्रेम मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक लाइट वाला फ्रेम मिलेगा और एक ऐसी ये वाला फ्रेम मिलेगा। इन दोनों में से गाइस आप जो से चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला गाइस मैं चूज़ करूँगा, इसकी एडजस्टमेंट के ऊपर गाइस मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो सा कलर होगा वो गाइस मैं यहाँ पे कर लूँगा ग्रीन कर लूँगा, या फिर गाइस जो सा भी आपको पसंद आता है वो गाइस आपको यहाँ पे कलर ऐड कर लेना। देन मैं गाइस ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, और गाइस मैं यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। साइज गाइस हम बाद में देख ले गए। अब गाइस आपने यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक करना है, बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको ओवरले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड ओवरले के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइस मैंने ये वाली इमेज ऐड कर लिया, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब गाइस आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले जाना होगा एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर, क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और यहाँ से गाइस आपने इस इमेज को गाइस आपने क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। जैसे कि इसमें यहाँ पे करूँ, देन मैं गाइस यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब गाइस आपको यहाँ पे वापस बैक के ऊपर जाना है, बैक के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन आएगा मास्क का, तो इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक करके ये स्प्लिट वाला गाइस जो सा इफेक्ट इसको गाइस आपको चूज़ कर लेना है, और इसको गाइस आपने जो सा कुछ इस तरीके से मूव करा लेना, जैसे कि इसमें यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मूव हो चुका है, गाइस आपने इसको कुछ इस तरीके से इसकी रेशो जो है गाइस आपने इंक्रीज कर लेनी, जैसे कि इसमें यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक हो गया। देन मैं गाइस ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, गाइस आपने इसकी साइज इंक्रीज कर लेना है, और इसको गाइस आपने जो है बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, दोबारा फिर गाइस जो है अब इसके ऊपर जाते हैं, और यहाँ से जो है इसका साइज़ है वो इसमें यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये गाइस जो सा मैं कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब गाइस इसकी सेटिंग वगैरह अगर देखनी होगी बाद में चेक कर लेंगे। अब गाइस आपको दोबारा फिर ऐड ओवर ले के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइस आपको ये वाली पीएनजी ऐड कर लेनी है, ऐड के ऊपर क्लिक करना, और इसका साइज जो सा गाइस आपको इंक्रीज़ कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है, ठीक हो गया कुछ इस तरीके से। साइज जो सा इसका थोड़ा फिक्स कर लेते हैं, तो ये गाइस यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो सा गाइस यहाँ पे स्टेटस है ये गाइस क्रिएट हो चुका है। अब गाइस आपने इन ओवरले का गाइस जो सा साइज़ है वो गाइस आपको एंड तक ले जाना, जितनी भी गाइस आपने स्टेटस अपना क्रिएट करना है, ठीक हो गया। अब गाइस आपको साउंड जो सा अपने हिसाब से कोई मिली नगमा वगैरह यूज़ कर लेना है, ठीक है, या कोई गोमी तराना वगैरह जो सा गाइस आप यूज़ करना चाहें तो इसको गाइस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगर गाइस ये जो सा नीचे से दिक्कत करे, ये जो सी इमेज है, ठीक है, आपको ब्लर ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे गाइस आपको दोबारा फिर जाना है अपने ये वाली इमेज के ऊपर, और यहाँ से गाइस आपने जाना होगा क्या कहते हैं मास्क के ऊपर, और यहाँ से गाइस आपने जो है इसका ये चीज़ कम कर देनी है, ठीक हो गया कुछ इस तरीके से। देन ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ अलहदा किस्म से गाइस आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा नीचे जाते वक्त, ठीक है। तो इसको गाइस अगर आप चाहें तो थोड़ा और ऊपर की तरफ ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर मूव भी हो तो इसकी जो है गाइस ये बॉर्डर है
इलेक्ट्रिक बॉर्डर, ये गई जो है ठीक तरीके से नज़र आए। अब अगर लास्ट के ऊपर आप कोई और इफेक्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, तो वो गिज़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे गिज़ा दे सकते हैं। और यहाँ पे गिज़ा आपको फायरवर्क्स वगैरह भी मिल जाएगा 14 अगस्त के हिसाब से, गिज़ा आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वरना गिज़ा आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग के ऊपर भी गिज़ा आपको ये कुछ इस तरीके से ब्लू रे वाला गिज़ा इफेक्ट मिलेगा, एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। फिर ये वाला भी गिज़ा आपको इफेक्ट मिलेगा। वैसे गिज़ा अपने हिसाब से आप जो सा चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गिज़ा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।